दूजी दया है बोलां विच दया, गज के आखो सतनाम। हाँ हाँ, जेडे मुंह चो बोल बोलदे आ ना, देखो कोई पैसा नहीं लगता, कोई एहदे च माया नहीं लगती, धन नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं हुंदा, बोलां च दया। तुसी रसना चो बोल इहो जे बोल रहे हो कि उहदे विचों वी तुसी दया कर सकते हो, बोलना चाहो। अपने हिंदुस्तान एक बड़ी बड़ी संस्था है, हेल्पिज इंडिया, इन्हों का लोगो वेखो ना, तो एक बजुर्ग ने सोटी फड़ी हुई है, वह लोगो इन्हों का, लोगो तो पता लगता है संस्था का मिशन की है। हुण तुहाडा जिवें माता कौलां जी भलाई केंद्र है, बेवा औरतां, अपना चलो मिशन है भी जो बीबी विधवा हो गई, बच्चे छोटे है, वो तुहाडा एक मिशन लैके चलना पैंदा। एक संस्था है हेल्पिज इंडिया, उन्हां दा लोगो है, बजुर्ग ने सोटी फड़ी है, वो की हेल्प करते ने, की सेवा कर रहे ने, भी जेडे बजुर्ग ने बच्चे धरती ते नहीं, या बच्चे पुछ नहीं रहे, उन्हां दी हेल्प हुण वो इन्नी गहराई च गए ने अपनी संस्था दी। मैं उन्हां दा जदों लिटरेचर पढ़िया, उन्होंने अपने लिटरेचर लिखे है कि कोई पुत्र अपने प्यो नू खर्चा नहीं दे सकता, चलो तां भी कोई नहीं, उहदियां लत्तां नहीं घुट सकता तां भी कोई गल नहीं, घुटे प्यो दियां बाहवां नहीं घुट सकता तां भी कोई नहीं, चलो मां बाप दे बस्तर नहीं धो सकदा तां वी कोई नहीं। उन्होंने एक निचोड़ कढ़िया, कहिंदे जे पुत्तर कुछ भी नहीं कर सकदा, जे अपने बोलां विच भी दया लै आवे, घरों किधरे जाणा ते पिता जी दे गोडे हथ ला के इन्ना ही कह देवे, पिता जी मैं फलानी जगह जा रहा, इन्ने क बजे मुड़ आवांगा, कहिंदे जदों पौड़ी उतरदा ना ते प्यो दा खून दूणा हो जांदा है, मैनूं कह के गया है। दो बोल ही ने, सिर्फ दो बोल ही ने। हुण ओहो पुत्तर ओहो नूं किधरे जाणा तैयार होए ने, पौड़ियां उतरे चले गए, गल निकी जी है, पर फिर बजुर्ग पिता बह के सोचता है कि हुण मेरा इन्ना भी मुल नहीं घर विच, आखो सतनाम। मेरी पुछी जी, ये उस संस्था का मैं लिटरेचर पढ़िया भी, कोई पुत्र बोलां विच भी प्यो नूं इन्ना कह जे पिता जी इत्थे चले आं, इन्ने क बजे मुड़ आवांगे ते तां भी पिता दा खून दुगणा हो जांदा है, मैनूं कह के गए, आखो सतनाम। एक बोल ही नहीं, कोई खर्चा नहीं आया। ये दूजी दया साढ़े बोलां विच दया, रसना दे बोल उन्हां विच दया।